नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यू भारत। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही रूस में ईसाइयों और यहूदियों के धर्म स्थल में अंधाधुंध गोलीबारी किए जाने की खबर सामने आई है। शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक ये आतंकी हमला है। दागिस्तान में हुए आतंकी हमले में पादरी और पुलिस कर्मियों समेत 15 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही। सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई में 2 आतंकियों के मारे जाने की खबर भी सामने आ रही है। रूस के दक्षिण प्रांत दागिस्तान में ईसाइयों और यहूदियों के धर्म स्थल सिनेगॉग पर अंधाधुंध हथियारों से अंधाधुंध गोलीबारी किए जाने की खबर सामने आ रही है। गोलीबारी दागिस्तान के डरबेट शहर में हुई है। विदेशी मीडिया की शुरुआत खबर में इसे आतंकी हमला बताया जा रहा है। फायरिंग में चर्च के पादरी और पुलिसकर्मी समेत 15 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही। रिपोर्ट्स के मुताबिक हमलावरों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई के दौरान रूस के सुरक्षा बलों ने 2 हमलावरों को भी मार गिराया है। हमले के बारे में दागिस्तान लोक निगरानी आयोग के समिल कुलदेव ने बताया कि चर्च पर हमले में पादरी व 6 अधिकारियों की मौत हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक डेरबेट के चर्च में मारे गए पादरी की पहचान 66 वर्षीय फादर निकोले के रूप में हुए। आतंकियों ने गला रेतकर उसकी नरसंग हत्या कर दी। चर्च की सुरक्षा में तैनात सुरक्षाकर्मी की हत्या गोलीबारी से की गई है। गार्ड के पास केवल एक पिस्टल ही थी। खबर के मुताबिक आतंकी हमले के बाद यहूदियों के धर्म स्थल की एक मंजिल पर बनी खिड़कियों से आग की बड़ी बड़ी लपटें भी निकलती हुई दिखाई दी। धुएं का गुब्बार भी देखा गया। अधिकारियों ने बताया कि रविवार को 3 जगहों पर हमले किए गए। माखच, काला शहर और पुलिस यातायात स्टॉप पर हमले की खबरें मिली। स्थानीय अधिकारियों ने बताया कि हमले में 12 कानून प्रवर्तन अधिकारी भी घायल हुए। लगातार खबरों पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ब्यूरो रिपोर्ट, हेडलाइंस न्यू भारत।